सुबह के 10 बज चुके हैं और आज शनिवार है। आप में से कई लोग ऑफिस में होंगे, लेकिन कईयों की तो आज छुट्टी होगी। हाँ, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरी चटपटी खबरों का। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी कुछ तीखी चटपटी खबरों के साथ। सबसे पहले स्वागत है आपका NS न्यूज एक्सक्लूसिव में, और मैं हाजिर हूँ रंजीता पठारे न्यूज इन माई प्लेट की खबरों के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें चाय की चुस्की के साथ। आज की 10वीं खबर है, आज शनिवार है तो IPL में आज 2 मैच होंगे। पहला मैच 4 बजे चेन्नई और पंजाब के बीच है, और 8 बजे हैदराबाद और मुंबई के बीच। लग जाइए 4 बजे से टीवी पर, मैच धड़कन तेज करने वाले हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी, राजकुमार हिरानी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों से संजय दत्त निराश। ओ माय गॉड, कहा जिस महिला ने उन पर आरोप लगाए उन्होंने सबसे पहले FIR दर्ज करवानी थी। संजू बाबा, आप क्या जानोगे एक महिला के आंसू की कीमत? आपको लगता है संजय दत्त के मुंह से ऐसी बातें शोभा देती है? संजू फिल्म तो सभी ने देखी होगी, आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में भारतीय प्रकाशक पर $5 करोड़ का जुर्माना लगा है। है ना हैरान कर देने वाली खबर। आंध्र प्रदेश के रहने वाले गेडेला पर अपने साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस को लेकर भ्रामक दावा करने और शोधकर्ताओं से लाखों डॉलर वसूलने का आरोप लगा है। बहुत बड़ी खबर है। अगली खबर है हमारी चाय के साथ, बीच बीच में चाय पीते रहिए। अगली खबर, SBI ग्राहक बिना डेबिट कार्ड के भी ATM से पैसा निकाल सकते हैं। है ना चौंकाने वाली बात, लेकिन कैसे? आपको योनो कैश पर लॉगिन करना होगा। आज अभी गूगल पर आप इसके बारे में पूरी प्रोसेस जान सकते हैं, तो जल्दी कीजिए। SBI की ये बहुत ही बेहतर सर्विस है। अगली खबर, 16 साल के इंतजार के बाद संसदीय चुनाव में पहली बार मतदान करेगी देश की बहू। देश की बहू, आप सोच रहे होंगे कैसे देश की बहू, देश की तो इतनी सारी बहू है, लेकिन ये जो देश की बहू है इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ताहिरा मकबूल का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन 2003 में उन्होंने भारतीय नागरिक से शादी कर ली थी। बस यही आकर तब से बसी है। अच्छी बात है, मजा आ गया, एक और बार चाय तो बनती है फिर। अगली खबर है हमारी, लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को लालू की याचिका पर सुनवाई करेगा। लालू जी जेल में हैं और 11 को चुनाव शुरू हो रहा है, तो जमानत अगर मिल गई तो उलट पुलट हो सकता है सब कुछ, खासकर बिहार की राजनीति में। पर यदि जमानत नहीं मिली तो? वैसे भी बहुत कुछ उलट पुलट हो रहा है बिहार की राजनीति में। एक तरीके से देखा जाए तो लालू की पार्टी राजदो के लिए उनकी जमानत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंटवारा तो हो रहा है, लालू ही इस बंटवारे को रोक सकते हैं। अगली खबर है हमारी, कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा नरेंद्र मोदी को सब जानते हैं, गटर स्टार की राजनीति करते हैं PM। जैसे गांव का मुखिया बोल रहा हो, जैसे देहात में कोई राजनीति कर रहा हो। अहमद जी, आप जानते नहीं है शायद, वैसे तो आपको जानना चाहिए कि राजनीति का दूसरा नाम ही गटर है। जी हाँ, सब लोग ऐसा कहते हैं कि राजनीति यानी गटर। ओके, तो आप जैसे कितने ही नेता इस राजनीति में, इस गटर में रोज डुबकी लगाते हैं, तो बोलने से पहले थोड़ा समझ लीजिए, सोच लीजिए, ठीक है। अगली खबर है हमारी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर मौजूद है मट्टू गांव,
यहाँ चुनाव प्रचार का अलग होता है तरीका। कैसे अलग होता है? दरअसल यहाँ श्लोक के बाद वोट मांगा जाता है, श्लोक पढ़ते हैं फिर वोट मांगते हैं। यहाँ पर यहाँ के लोग दैनिक जीवन में संस्कृत का बेहद यूज करते हैं, यहाँ संस्कृत का चलन है। यहाँ के हिंदू और मुस्लिम भी संस्कृत बोलते हैं, है ना हैरान करने वाली बात। भारत विविधताओं का देश है, इसीलिए इसके लिए कहा जाता है कि कोश कोश पर बदले पानी और चार कोश पर बदले वाणी। भारत में आप चार कोश जुड़ जाओगे तो ही आपको भाषा बदलती मिल जाएगी। अगली खबर पर चलते हैं हम। अगली खबर है हमारी लोकसभा चुनाव के पहले चरण में खड़े उम्मीदवार के बारे में। अब आप अच्छे से सुन लीजिए, दर्द चौंकना मत, ये सच्चाई है। 17% जो उम्मीदवार है वो दागी है, 32% जो है वो करोड़पति है। जी हाँ, 32% उम्मीदवार करोड़पति है। सोच लीजिए आप, पैसा कहाँ जा रहा है। कई लोगों की औसत संपत्ति 6.6 करोड़ है, चौंकाने वाले आंकड़े तो है। कई लोग जो केंद्रीय मंत्री है वो 5 साल पहले उनकी जो इनकम थी उसकी तुलना अगर हम आज की इनकम से करते हैं तो उनकी इनकम में 300% का इजाफा हुआ है। आप खुद ही सोच लीजिए कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है। सबसे बड़ा सवाल, राजनीति में तो पैसा नहीं होता है, कहते हैं राजनीति में क्या पैसा, लेकिन हमें पता है, उन्हें पता है कि राजनीति में कितना पैसा मिलता है हमको। ठीक है, अगली खबर है हमारी। आप कहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं तो अच्छे से सुन लीजिए। गुजरात में 30 साल से लोकसभा चुनाव में कोई भी मुसलमान सांसद नहीं चुना गया है। जी हाँ, चौंकाने वाली बात ये है कि 30 साल हो गए और अभी तक कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुजरात में तो मोदी राज चलता है, देखते हैं जो भी है। ये तो महात्मा गांधी के प्रदेश का जब ये हाल हो सकता है तो देश का क्या हाल है, ये तो सब समझदार है। आगे तो आशा करती हूँ कि आज की न्यूज इन माई प्लेट बाय रंजिता की खबरें आपको अच्छी और टेस्टी लगी होगी। वैसे तो हम कल सुबह न्यूज इन माई प्लेट के साथ मिलेंगे, लेकिन आज रात 8 बजे मिलते हैं व्यूज इन माई प्लेट बाय रंजिता के साथ। तब तक के लिए बाय।